इनकी कला को जो जितना भरसक प्रयत्न हो उतना उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, और इनके क्षेत्र में जो डिफिकल्टीज आ रही है, कोई आर्थिक भी आ रही है किसी काम के लिए, तो आर्थिक भी मदद करनी चाहिए और ये आगे के लिए उनको रास्ता मिलना चाहिए, ये मेरी मानना है। क्योंकि लोगों को कार्य दिखाने के लिए कभी कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो उनकी कला अंदर रह जाती है। तो इसलिए ये संस्था जो बनी हुई है, ये कुंदन फाउंडेशन है, दूसरे बने, इन लोगों को जो डॉक्टर्स हैं इतनी दूर से आते हैं, अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, पेंटिंग का करते हैं, तो उनको उनके आने जाने के वे को संभालना चाहिए। पिछले दो साल से कोविड टाइम बहुत खराब गुजरा हम डॉक्टरों के लिए खास। बहुत सारी आत्मा को हमने बचा लिया, लेकिन बहुत सारी आत्मा को हम नहीं बचा सके। ये आत्मा के अवन जवन में हमने हमारे खुद के आत्मा देखी, और वो आत्मा में जाके हमने अपने आप को देखा, भगवान को देखा। और ये सब जो प्रस्तुति है, ये आत्मा की, ये सब पेंटिंग्स, ये फोटोग्राफ्स, ये स्कल्पचर, ये सब आत्मा की आवाज़ है। सबसे पहले तो मीडिया को भी थैंक यू, इतना समय निकाल के मीडिया आई ये प्रोग्राम के लिए। और हर इंसान के अंदर एक कला छुपी हुई रहती है। हमारे डॉक्टर्स इतने बिजी हैं, भगवान के बाद इनका जो भी है वो डॉक्टर्स ही हैं अपने, आज ये कलयुग के अंदर। तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इन्होंने इतना अपने समय निकाल के पेंटिंग्स बनाई, तो इनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पेंटिंग को ख़रीदें, और पेंटिंग पे जो भी आय होने वाली है उसमें कुछ परसेंटेज अच्छे कोच के लिए भी इसमें वो अनुदान होंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आएँ, 7 दिन का प्रोग्राम, 6 दिन का प्रोग्राम है, आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग को ख़रीदें, और डॉक्टर अपने जितने भी हैं उनको प्रोत्साहन के लिए आप उनको सपोर्ट करें। थैंक यू। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं फैशन और ग्लैमर और पैजेंट्री की दुनिया में अपना काम दिखा रही हूँ, और एक पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन हूँ। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स एग्जिबिशन में लगी हुई है, हर एक आर्टिस्ट के अंदर मुझे वो डॉक्टर, क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, क्योंकि इसने हमारे ड्रीम्स को एकदम जीवित कर दिया है। स्पेशली लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जो भी सब ने मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सेट्रा फेस किए हैं, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ गिविंग योर क्रिएटिव स्ट्रीक अ लाइफ। एंड कंग्रेचुलेशंस टू कुंदन फाउंडेशन, स्वराज मीडिया एंड दीप कला फाउंडेशन फॉर दिस ब्यूटीफुल वेंचर। थैंक यू। नमस्कार। ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपने देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स इसमें डॉक्टर्स बहुत बिजी थे, दे आर सो मच देयर लाइफ गॉन इन स्ट्रेसफुल लाइफ, और इसमें कोविड के बाद थोड़ा सा जहाँ पे पेशेंट्स अभी कम हो गए हैं, इसमें अपने ज़िंदगी के, अपने जो इतने बिजी लाइफ से उन्होंने जो अपने पेंटिंग्स थ्रू अपना जो स्ट्रेस है अपने लोगों के में, एक एज डॉक्टर्स ट्रीट तो करते हैं, लेकिन ऐसे पेंटिंग्स द्वारा भी लोगों को एक एज अ ट्रीटमेंट उनको एक लाइफ में उन्होंने दिया है। डेफिनेटली आई थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, दे हैव सच अ वंडरफुल केप्ट दिस प्रोग्राम हियर फॉर द आवर पीपल्स एंड फॉर द सोसाइटी। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, और खूबसूरत लोगों का आज दर्शन हुआ है, और खूबसूरत पेंटिंग के बारे में आज मैंने देखा। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आज मुझे देखने को मिली, कि मैं तो समझता था कि मैं अकेले पेंटर हूँ, मगर आज पता चला डॉक्टर भी पेंटर हैं, और पेंटिंग का काफ़ी बढ़िया उन्होंने खेल किया है। और कुंदन फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और हमें यहाँ सादर आमंत्रित किया। ये कलाकार की हिस्से से मैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और सारे डॉक्टरों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ
सीमित न रहें और चलते रहें, और कला ही जीवन है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर होते हैं सब ये क्रिएटिव लाइफ जीते हैं, एक नई दुनिया एक नया जीवन देने की कोशिश करते हैं, हम रंगों से देते हैं और वो अपने सर्जन से देते हैं। तो डॉक्टरों के और पेंटरों की दोनों का चोली दामन का साथ है। तो इस जगह पर आज जो मैंने ये सब सभी मैंने देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस आर्ट की दुनिया में एक कदम और किसी ने रखा है, वो हमारे डॉक्टर भाई। तो हम सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर मुझे अत्यधिक खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है कि डॉक्टर जो दूसरों में प्राण फूंकते हैं, उन्होंने खुद ने इन पेंटिंग्स में प्राण फूंक दिए हैं, इनको जीवंत बना लिया है, इनको सजीव बना लिया है। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर के हाथ का जादू जब मरीज के शरीर पर चलता है तब मुर्दा भी उठकर चलने लगता है। तो आज ऐसे कलाकृतियों को इन्होंने प्राणवान बना दिया, तो डॉक्टर ये कर सकता है असंभव काम जो उन्होंने संभव करके दिखाया है। एक एक कलाकृति इतनी अभूतपूर्व है कि बस देखते ही रहो। मैं सारे डॉक्टर्स को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और दीपक यादव साहब और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद अदा करूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लागू किया, चालू किया, दिखाया लोगों को, और लोगों के सामने इतनी बेहतरीन पेंटिंग प्रस्तुत की, इसलिए मैं धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्यभर ज्या मंडळींचा संबंध चाकू सुऱ्या कात्र्या रक्त आणि बँडेज या सगळ्याशी येतो, टाके घालणं वगैरे, त्याचे सगळे सहकारी लोक हे करत असले तरी त्यांचा त्या प्रोसेसमधनं जावं लागतं। अशा या डॉक्टर मंडळींच्या हातामध्ये त्या रंगांच्या ह्याच्यामध्ये कुणीतरी ब्रश बुडवतो आहे आणि ते काहीतरी एक चित्र निसर्गरम्य असं एखादं चित्र सादर करतायत, त्याच मंचातून बाहेर पडत आहे। हा किती म्हणजे उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव असं म्हटलं तर त्यांच्या हातातून ही कला निर्मिती, म्हणजे जे कलावंतांचे हात, कलावंतांचा, साहित्यिकांचा, प्रतिभावंतांचा मेंदू असतो, त्या मेंदूत जर काही बिघाड झाला तर तो मेंदूतला बिघाड दूर करण्याचं जी कलावंतांचे कलावंत म्हणूया असे हे डॉक्टर, त्या डॉक्टरांच्या मेंदूतून, त्यांच्या संकल्पनेतून अशा प्रकारची ही विविध अंगाची कला, व त्यात प्राण्यांची चित्रं आहेत, निसर्गचित्र आहे, ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग्स पण आहेत, अशी विविध प्रकारची चित्रकला इथे साकारलेली दिसते। ही माझ्या दृष्टीनं महाराष्ट्राच्या किंवा मुंबईच्या आसपासच्या कला जीवनातली एक मोठी गोष्ट आहे। फक्त जे जे स्कूलमधनं किंवा एखाद्या स्कूल ऑफ आर्टमधनं आलेल्या माणसांचाच फक्त कलेशी संबंध असतो, चित्रकलेशी संबंध असतो, त्या हा समज, ही जी संकल्पना आहे, हा जो आपला समज आहे तो मोडीत काढून ही अशी शस्त्रास्त्रांशी आपला हात मिळवणारे लोक देखील ही कलावंत मंडळी असू शकतात हे त्यांनी आज सिद्ध केलं आहे। आणि त्यांची चित्रं ही ज्या कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये जातील तिथं ती आनंद निर्माण करतील। ते ज्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत असं नाही मला म्हणायचं, पण ज्या हॉस्पिटलमध्ये ही चित्रं जातील तिथे त्या बेडवर असलेल्या पेशंटला या चित्रांमधून काहीतरी विलक्षण असा आनंद तयार होईल असं मी सांगतो। आणि ही अशीच कला सगळ्यांच्या हातातून बहरत राहो आणि हा आपला देश सुंदर हो अशी मी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। वेळ, नमस्कार, मी अभिनेता अशोक कुलकर्णी। ह्या आर्ट एक्झिबिशनला रामजी शर्मांनी जेव्हा मला आमंत्रण दिलं तेव्हा एक कलाकारांनी कलाकाराला दिलेलं आमंत्रण असं मी मानून इथं आलो होतो, पण जेव्हा इथं आल्यावर मला कळलं की हे डॉक्टरांचं एक्झिबिशन आहे तर कुठेतरी मनात क्युरिओसिटी निर्माण झाली। अर्थात माझी मिसेस पण डॉक्टर आहे, पण ती तिच्या कलेमध्ये म्हणजे स्वयंपाककलामध्ये फार उत्कृष्ट आहे, पण ह्या चित्रकलेमध्ये अनेक डॉक्टर त्यांच्या कला बघून म्हणजे आश्चर्य, अक्षरशः आश्चर्य व्यक्त करावं असं हे आहे की
मी स्वतः बघतो की माझ्या मिसेसला किती वेळ मिळतो, ती किती बिझी असते, ती डॉक्टर असल्यामुळे तिचे काय प्रायोरिटीज आहेत हे सगळं मी ग्राफ मला माहिती असल्यामुळे त्याच्यातनं वेळ काढून ही रंगसंगती जमवणं आणि या रंगसंगतीला एक उत्कृष्ट पद्धतीनं लोकांसमोर आणणं ह्याबद्दल मी तर म्हणजे म्हणेन की या आपले दीपकजींची आणि या फाउंडेशनचं कुशी ग्रुप कंपनीचं जितकं म्हणून आपण अभिनंदन करू तितकं कमी आहे. इनफॅक्ट मी माझ्या बऱ्याचशा डॉक्टर मित्रांना असं सांगणार आहे की तुम्ही जे करता त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला रंगाचा आनंद घ्यायचा असेल तर अवश्य अवश्य नेहरू सेंटरला जा, 2 तास काढा, रंगामध्ये रंगा आणि मग तुम्हाला कळेल की डॉक्टरचं दुसरी बाजू काय असते. धन्यवाद. देखो, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, इस महान देश के एक नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देश के अंदर जो कला है, हमारा देश बहुत ही अमीर ट्रेडिशनल संस्कृति में इतना अमीर है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड के अंदर हम नंबर 1 आते हैं, तो इस कला को पेंटिंग है, गाना है, डांसिंग है, प्लांट्स को सजाने की बात आती है, ये सब के अंदर जितना हमसे हो सके, एक नागरिक के नाते हो सके, हमको आइए मैडम आइए, हमको ये प्रेरणा देनी चाहिए, इंस्पिरेशन देनी चाहिए, उत्साह देना चाहिए. तो मैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से, पंजाब एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन और आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से, दीप कला फाउंडेशन, अनिल जैन जी, दीपक जी और जो बाकी कार्यकर्ता हैं, उनकी जो टीम है, उनकी कमेटी है, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा देता हूँ कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को, 40 डॉक्टर्स को इकट्ठे करना, उनसे टाइम लेना, और डॉक्टर्स की इसमें देखो कितनी कलाकारी, कितना कमाल है, कितनी भावना है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जो पेंटिंग करते हैं, अपनी कला को जो निखारते हैं और फिर यहाँ पर ला के उस सजाया, उन्होंने हमको देखने का मौका दिया. तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक पेंटिंग को, कोई भी कला को एक प्रार्थना समझता हूँ, एक दुआ समझता हूँ, एक गुरु के सामने अरदास समझता हूँ. अंदर से जो निकलती है, आत्मा से आवाज़ निकलती है, वो उनके पेंट में आती है, ब्रश में आती है, वो हमको देखने को मिलती है. वो जैसे मैंने पहले ही बताया, वो प्यार का संदेश देती है, लोगों को प्यार का संदेश देती है, क्योंकि हमने सबको जोड़ के, सबको साथ में लेके चलना है और प्यार का पैगाम, प्यार की खुशबू इस दुनिया में हमने फैलानी है. तो ये बड़ी अच्छी पेंटिंग्स, बड़े दिमाग से बनाई हुई, दिल से बनाई हुई, दिल की अपने आत्मा की आवाज़ इन्होंने रखी है. तो मैं समझता हूँ सबको पेंटिंग देखना चाहिए और आके इनको प्रेरणा, इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि और भी अपना टाइम निकाल के, और भी डॉक्टर्स को जोड़ के, और ऐसी अच्छी अच्छी कला, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाएँ और पेंटिंग्स को सजाएँ. तो मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम. डॉक्टर भगवान का रूप होता है, क्योंकि भगवान जीवन देता है, ये जीवन बचाते हैं. लेकिन डॉक्टरों में भी एक आर्ट होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि डॉक्टर लोगों के नज़रों में एक ही है कि डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई एक कला जो डॉक्टर उजागर करता है, वो आज ये एग्जीबिशन में देखने को मिला, वो बहुत ही काबिले तारीफ है. और इसको जो आयोजन किया है कुंदन ग्रुप के, कुंदन मल जी मेहता के, जैन साहब के लड़के अनिल जी ने, जो खुश डेवलपर है, और दीप कला के जो है इनके सहयोग से, और स्वराज मीडिया के माध्यम से ये जो आज लोगों को देखने को मिला, और डॉक्टरों की जो कला आत्मीयता से जो बनी हुई है, और एक एक से अलग बनी हुई चित्रकला जो डॉक्टरों में होती है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है. और उसके लिए डॉक्टर भी धन्यवाद के पात्र हैं, और ये आयोजन करने वाले कुंदन ग्रुप के जो कुंदन फाउंडेशन के अनिल जी जैन साहब हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. उनकी जो यूनिक कला है और लोगों के सामने लाई, वो बहुत ही काबिले तारीफ है. और डॉक्टर भगवान का रूप होता है, स्वरूप होता है, जो भगवान जीवन देता है, ये डॉक्टर जीवन बचाते हैं. लेकिन डॉक्टर के अंदर भी एक इंसान, मतलब कला होती है, वो उजागर की है कुंदन फाउंडेशन के श्री अनिल जी जैन ने, जो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है, काबिले तारीफ है. धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
नमस्ते मुंबई, मैं डॉक्टर रितिका अग्रवाल हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ और मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग जगह से आए हुए सारे डॉक्टर्स की सब पेंटिंग्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत क्रिएटिव है, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर्स इतना स्ट्रेस लेके, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस लेके भी इतना सुंदर उस स्ट्रेस को हटाने के लिए पेंट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस। मतलब वो पेशेंट्स को भी बचाते हैं और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए और अच्छा पॉजिटिविटी रखने के लिए पेंटिंग्स करते हैं। उनको सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरीके का आर्ट है, सब कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। एवरीथिंग इज सो क्रिएटिव, इतना क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, आई एम टोटली एंजॉयिंग इट। थैंक यू। उनके अंदर की छिपी कलाकृति को यहाँ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना जरूरी मानते हैं। तो सबसे पहले कि मेरे जैसे मैं पूरी गैलरी में बाहर से ही इतना इम्पैक्ट मुझे लगा, जो कई ऑर्डिनरी रेगुलर शोज़ में इतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है जितने मुझे बाहर ही खड़े होके जो इम्पैक्ट लगा। तो जैसे मैं अंदर आया और देखा पेंटिंग्स वगैरह, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कला इन डॉक्टर्स में तो बहुत है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल दे आर कारीगर जो ऑपरेशन करते हैं, तो इतना बारीक ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें जो उंगलियां हैं उनकी वो पूरी कला है उनकी, जो स्टिचिंग करते हैं बारीक, तो वो हिसाब से जो वर्क्स जो है बहुत उत्तम है और बहुत ही बढ़िया वर्क्स है। और मैं वेरी सरप्राइज्ड भी हूँ, मुझे भी अचंभव है कि भाई इतनी अच्छी कला, इतने कम समय होते हुए भी इतनी अच्छी कला वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ज़्यादा करके वो रिलीजियस पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे बुद्धा और गणेश, और ज़्यादा करके रिलीजियस है और लैंडस्केप है और नेचर है। तो ये तीन थीम में सबसे ज़्यादा देखा। एब्स्ट्रैक्ट दो चार एब्स्ट्रैक्ट है, तो मतलब ये स्वाभाविक है कि वो हर चीज़ को साइंटिफिक वे में देखते हैं, तो उनसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट करना थोड़ा इट विल बी मुश्किल है काम, कि भाई डॉक्टर लोग भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा करके लैंडस्केप फोटोग्राफ्स वाइल्ड लाइफ के, तो उनको भी इतनी स्ट्रेसफुल उनका काम है, उनका अपनी जान उनके ऊपर है, तो उनका इतना दिमाग हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो उनको ये जो रिलीज मिलती है वो लैंडस्केप में ब्यूटीफुल फ्लावर्स में, ऐसे वो लोग थीम चूज किए हैं। आई एम नॉट सरप्राइज, इट इज़ स्वाभाविक है कि वो ऐसे थीम चूज किए, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। कला बहुत उत्तम है, और रेगुलर आर्टिस्ट का शो करो या डॉक्टर का शो करो, मुझे उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू जी। स्पेसिफिकली एक हर आर्टिस्ट पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई आर्टिस्ट है तो उसके ऊपर, पर जो उन्होंने जो हाँ जो ऑर्गेनाइज किया, ये तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इतने साल से मैं तो 30 साल से गैलरीज में रखड़ रहा हूँ और 30 साल से शोज देख रहा हूँ, ये सबसे पहले डॉक्टर का शो देखा मैंने, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सर।